वेलकम बैक टू माई चैनल #BeAwesome और अब हम लोग हैं BeAwesomeTLF। तो जैसे कि हम लोग अभी ट्राई सिटी के कैफेज कवर कर रहे हैं, तो एक कैफे जहाँ पे मैं जब स्कूल डेज में थी तब से आ रही हूँ एंड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, बट इन्होंने अभी लास्ट दिसंबर में पूरी तरीके से इसको रेनोवेट किया है। तो मैंने कहा यार स्कूल के दिन की यादें हैं, क्यों ना इनको ताज़ा किया जाए और इस कैफे में जाके एक बार तो देखा जाए कि नया क्या क्या हुआ है। सो येस, आई एम इन सेक्टर 16 इनर मार्केट बुक्स एंड ब्रूज। तो चलते हैं बुक्स एंड ब्रू को देखते हैं, क्योंकि अगर मेरे फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे हैं तो तुम्हें पता होगा कि गाइस हम लोग स्कूल से बंक करके कितना आते थे यहाँ पे, बट अब ये रेनोवेट हो चुका है पूरे तरीके से और बहुत नया लुक लेके आए हैं। सो लेट्स गो, देखते हैं हमारा पुराना कैफे वैसा ही है कि और क्या क्या नए नए अच्छे से बदलाव हुए हैं। टेलिंगा कि सेक्टर 16 बुक्स एंड ब्रूज में वीकेंड पे कई बार गोलगप्पास भी होते हैं। सो गाइज, बिल्कुल टोटली चेंज हो चुकी है ये जगह। पहले ये काफ़ी छोटी थी, मतलब ये हाफ एरिया में ही था और दिस साइड पे जहाँ पे अब एक बहुत ही प्यारा सा यूकेलेले है और बुक्स का सेक्शन है, वहाँ पे एक छोटा सा बुक कॉर्नर था और साथ में वहाँ पे किचन था। बट नाउ दिस हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफॉर्म, बट ये जो ऊपर वाला सिटिंग अरेंजमेंट है ये पहले से अवेलेबल था, बट वो नीचे बाहर बालकनी व्यू वाला अवेलेबल नहीं था, ये अभी अभी बना है। और इनका सिटिंग अरेंजमेंट इज़ वेरी कोजी एंड वेरी अमेजिंग एंड आई लव दिस आर्ट वॉल। ये पहले भी थी बट ये डिफरेंट कलर में थी एंड यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट था और यहाँ पे एक छोटी सी साइकिल थी जिसके साथ उन्होंने सीट्स लगाई होती। सो देयर लाइक सो मेनी मेमोरीज विच आर रिलेटेड टू दिस प्लेस, बिकॉज यहाँ पे इसी तरीके से पिक्चर्स लगी होती थी एंड दिस टाइम दिस वॉल इज़ गिविंग अ न्यू मैसेज। लुक एट दिस वॉल, द पिक्चर्स आर, एवरी पिक्चर इज टेलिंग अ न्यू स्टोरी एंड आई रियली वॉन्ट टू नो कि ये कौन से आर्टिस्ट ने क्लिक किए हैं। सो बेसिकली ये हमारे जब, मतलब दिस कैफे इज़ क्वाइट ओल्ड, अभी रेनोवेशन करके एक न्यू इमेज एंड न्यू पिक्चर और वेरी वेरी प्रिटी पिक्चर वापस एक लेके आए हैं ये लोग। बट यहाँ पे बैक साइड पे मेरा स्कूल हुआ करता था और बंक करने के बाद हम लोग यहीं आते थे एंड वी ऑलवेज यूज टू ऑर्डर सम मैगी एंड पिज्ज़ा। सो आज मैंने थोड़ा डिफरेंट डिश ट्राई करने की कोशिश की है। येस, यू कैन सी दैट मैगी एंड पिज्ज़ा ही है, लेकिन इन्होंने बोला है दैट दिस इज़ कम्बाइंड, लाइक एक साइड पे दे हैव दिस नॉन वेज पार्ट एंड द अदर साइड इज़ द वेज पार्ट। ओ माई गॉड, वी हैव गोलगप्पास, कॉम्प्लीमेंट्री गोलगप्पास। सो जब गाइज आई वॉज टॉकिंग अबाउट द डिश, सो द पिज्ज़ा हैज़ टू लेयर्स, लाइक ये वाली साइड पे नॉन वेज है एंड इस साइड पे पूरा वेज है। देन दिस इज़ क्वाइट यूनिक, क्योंकि ट्राई सिटी पे मैंने कभी भी ऐसा डबल यू नो वेज नॉन वेज का कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं किया है। हाँ, आई हैव ट्राइड इन मुंबई बट नॉट इन चंडीगढ़। सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन ट्राई सिटी एंड आई हैव नॉट एक्सपेक्टेड कि ये इस तरीके से प्लेटिंग करके देंगे। इट लुक्स रियली रियली नाइस। ओके, दिस इज़ नॉट वुड एग्जैक्टली बट दिस लुक्स रियली नाइस एंड देन वी हैव चिकन मैगी। सो वी आर गोइंग टू ट्राई चिकन मैगी एंड आज जैसे वीकेंड है तो वीकेंड के ऊपर दे हैव दिस स्पेशल डिश विच इज़ देयर गोलगप्पास एंड लुक एट देयर गोलगप्पा सर्विंग। या मतलब इंजेक्शंस भी हैं एंड बीकर्स भी हैं, सो ये अलग ही बात है। और तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि कोविड के सिचुएशन के बाद नए SOPs आए हैं, सो मेन्यू का भी यहाँ पे आप स्कैन करके ले सकते हो, पेपर लेस हो चुका है। लाइक देर इज़ नो मेन्यू ऑन योर पेपर, दे विल डायरेक्टली बी, यू स्कैन इट एंड यू गेट द मेन्यू ऑन योर फोन, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। आप एंट्री करते हो, यू सैनिटाइज योर सेल्फ एंड देन दे चेक योर टेम्परेचर एंड देन यू कैन कम इनसाइड। सो सब कुछ करने के बाद मैं अंदर हूँ और इसीलिए मैंने मास्क उतारा है। सो नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई आउट द फूड एंड टेल यू गाइज दैट क्या टेस्ट भी इतना अच्छा है जितना पहले हुआ करता था। मुझे उम्मीदें तो बहुत हैं, मुझे लगता है शायद उम्मीदें मेरी ट्रू हो। सो यस, लेट्स गो एंड लेट्स ट्राई नाउ। फर्स्ट आई एम गोइंग टू ट्राई आउट दैट चिकन वाला साइड। चिकन आपको पता है हाउ आई लव चिकन और कल ही श्राद्ध खत्म हुए हैं तो आज से हम चिकन खा सकते हैं। गाइज इट लुक्स सो स्टनिंग। I like the thin crust. It's not spicy. And अगर फिर केचप आप यूज़ कर, मतलब टेस्ट करना चाहते हो, दैट विल बी रियली गुड, बट इट्स नॉट स्पाइसी।
फुल ऑफ बटर एंड चीज़. बटर का अलग से टेस्ट आ रहा है बहुत ज़्यादा. दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग. एंड आई लव द थिन क्रस्ट. लाइक थिन क्रस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. लुक एट दिस, बहुत आराम से टूट रहा है. कई जगह पे थिन क्रस्ट इतनी ज़्यादा हार्ड होती है दैट यू हैव टू टक 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 टक. लुक एट दिस. सो इट इज़ रियली नाइस एंड द टेस्ट इज़ रियली गुड. नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई द वेज साइड. हम इसको घुमा देते हैं. यस, you give me love, you give me all the things I don't want. Oh baby, please come sit tonight, cause I just want one thing I wanna see. This one is better than the non-veg part. Look at the colors, it looks so nice. Colors itne zyada acche lag rahe hain. और इसका टेस्ट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि यू नो मैकेनिकल से जो टेस्ट होता है ना, कि बहुत घर जैसा स्वाद है और बहुत नाइस है. बटर एंड चीज़ का जो मैंने आपको बोला अलग स्वाद है. और अगर मेरे को ऑप्शन मिलेगा कि मेरे को वेज या नॉन वेज में से कौन सा ऑर्डर करना है और मुझे कौन सा ज़्यादा पसंद है, तो आई विल गिव वेजिटेरियन 4.5 एंड फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू गिव नॉन वेज 4. सो आई लाइक दिस वन बिकॉज इसके कलर्स एक तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और टेस्ट में भी बहुत अमेजिंग है. सो दिस वन इज़ फॉर पिज्ज़ा एंड नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई आउट द मैगी. So this is exactly a chicken maggi. Okay, हम थोड़ा लेट हो गए पिज्ज़ा खाते खाते, तो मैगी थोड़ी सी हमारी ठंडी हो गई है. बट मैगी तो मैगी है यार, मैगी तो जान है. फाइव आउट ऑफ फाइव टू मैगी. दिस इज बोनलेस चिकन एंड ये इन्होंने पहले बॉयल करा है और उसके बाद दे हैव एडेड इन साइड द मैगी. इट्स नॉट लाइक कि पहले इसको बहुत ही मसालों से पकाया गया, ऐसा कुछ नहीं है. ये सिर्फ बॉयल चिकन है जो बनाने के गर्म बॉयल करने के बाद दे हैव एडेड इन द मैगी. एंड अब गोलगप पे हम थोड़ी देर बाद करेंगे बिकॉज माई कैमरा मैन ऑल्सो वॉन्ट्स टू ईट. सो वी विल ईट एंड वी विल टेल यू गाइस मोर अबाउट इट. सो अभी मेरे साथ है द ओनर ऑफ पीएनबी. आप तो कब से ढूंढ रहे थे, मतलब मैं तो स्कूल टाइम से यहाँ पे आ रही हूँ, मैं आपको कब से ढूंढ रही थी. आप थे कहाँ पे सर? ये जो चीज बनाई कैसे, आइडिया कैसे आ गया? Well, I did see you जो स्कूल बंक करके आप यहाँ पे थे. सो आइडिया वॉज इट वॉज अ रैंडम थॉट, तो एकदम से ही आया था. आई थिंक वी वर जस्ट ट्रैवलिंग मी एंड माय वाइफ टू यूएस एंड वहाँ पे बार्न्स एंड नोबल्स बुक स्टोर है, इट्स अ ह्यूज बुक स्टोर. एंड बीच में बुक स्टोर के दे हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ कॉफी कियोस्क. सो वी थॉट व्हाई नॉट यू नो क्रिएट समथिंग लाइक दिस इन इंडिया, वी हैव अ बुक्स एंड यू नो कॉफी. लाइक देन यू नो एज एनी अदर यंगस्टर आई ऑल्सो हैड दैट ड्रीम ऑफ हैविंग अ कैफे समथिंग. सो वी जस्ट ट्राई टू ब्लेंड इट. तो हमने नाम को रजिस्टर कर लिया था कैफे खोलने के 3 साल पहले. सो दैट सीरियस वी वर विद दैट थॉट. 2010 में वी ओपन्ड कैफे एंड वी ओपन्ड इन 38th sector. Yes, that also, yeah. I know because I stay in 37. So we were in 38. We started with 4 tables and then from 4 we grew to 6, okay. 6 to 8 and then basement bhi hamare paas tha, so we tried to set up something in basement also. So hum 3 saal we operated from 38. Uske baad 16 mein aa gaye. In fact, those are 12 end mein. If we talk about 16, yeah. The 16 sector for a cafe, yeah. Is kind of odd combination. Yeah. Yeah. So, like, aren't you scared ki yahan pe kaisa hoga, response kaisa aayega? Because, like, starting mein jab aap start kar rahe hain, to ek dar to rehta hai. So was 38. You see, okay. 38 was also a very odd sector, yeah. At that time to start off with a cafe, being one corner of the city, and so was 16. So, I can put it in this way ki humare liye odd cheeze have worked. Yeah. So maybe we have never tried to give a structure to this entire, okay. You know, cafe execution. And maybe that is what has worked for us. Shall structures mein jaate to na kar paate. 16 also was all of a sudden, you know, no planning, nothing. Na bolu ki podcast banaya, ye kuch nahi kiya. We just met, we saw the places khali, we met the owner. It just clicked and we said, ki theek hai, why not? Let's open it here. And it was closer to university, so we thought, yeah. It would make sense. And then being on, you know, first floor is also not something which is very usual. But it has worked and city has given us a lot of love. There are so many stories. Jaise aapne bola aap school se aate the, bahut log hai koi school se, koi college se, kisi ne apna
बिजनेस शुरू किया यहाँ से लैपटॉप लेके एंटरप्रेन्योर स्टार्ट टू बिग ब्रांड्स सो मेनी लव स्टोरीज सो द अदर डे आई मेट अ कपल विद अ बेबी एंड दे सेड कि दिस इज वेयर वी मेट 5 इयर्स बैक एंड नाउ वी आर मैरिड एंड वी हैव अ बेबी सो वी वांटेड बेबी टू सी द प्लेस सो देयर सो मेनी स्टोरीज एंड या सो वी आर हैप्पी एंड वी होप दिस विल हैपन सो रिसेंटली यू रेनोवेटेड दिस प्लेस Why so? Because the earlier version was also very great and we all love that. But the recent one also we love that. But right. Why you renovated after so long? Well, I think one of the reasons was that we wanted more space. Because often people will feel a little disappointed if you are in jagah nahi milti and we will not feel good about it. And then kya hota hai ki hospitality industry mein, you know, change is something which is required. क्योंकि जब आप बहुत सालों से आ रहे हैं देन हमारा 80% क्लाइंट बहुत रेगुलर है बहुत लॉयल है सो दे ऑल्सो वॉन्ट टू सी न्यू थिंग्स ऑल्दो इट वॉज अ चैलेंज फॉर अस कि जो चीज़ ऑलरेडी बहुत अच्छी बनी हुई है इट वॉज अ बिग एक्सपेरिमेंट कि हाउ विल यू बेटर समथिंग विच इज ऑलरेडी बीन एक्सेप्टेड सो दैट वॉज अ गैम्बल एंड बिलीव यू मी जब यह बन रहा था तो देख देख के मुझे खुद ब्रेकडाउन्स होते थे कि पता नहीं उतना अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा बट लकीली अगेन इट वर्क एंड पीपल हैव लव्ड इट वेरी वेल सो So we have a special guest, Ashu. तो आप बताइए क्योंकि सारी ब्रीफिंग जो हमें की है इन्होंने पहले तो मुझे डरा ही दिया था आते ही ओके व्हाट आर यू गोइंग टू डू लाइक करने क्या वाले हो तुम सो आई वाज लाइक ओके फाइन आई एम अ लिटिल स्केयर्ड हम लोगों को किस तरीके से शूट करना है सो लेकिन फिर हमें बाद में पता लगा हाउ पोलाइट हाउ क्यूट हाउ प्रिटी शी इज थैंक यू सो बोलना पड़ता है प्लीज डू लाइक Sure. I will subscribe your channel also. So, you were telling us about the co-working space. Yeah. So, what is this idea? Because Chandigarh mein bahut kam hai. Hai hi nahi, I guess, sirf ek hi hai. Aisi jagah nahi hai, jahan pe itna youthful aur happy aur cheerful crowd ho, aur saath mein aap kaam bhi kar sakte ho, saath mein aap coffee enjoy kar sakte ho, aur khane ke liye amazing amazing dishes ho. So, ye idea kaise aaya? Aur recently, I guess, aapne co-working start kiya yahan pe. Correct. You yeah. got it right. In fact, like Vishal said, that a lot of people had started their journey from this place. Bahut log entrepreneurship mein bhi gaye, so bahut logo ka networking hua. So I really call it not just a cafe but a community hub. Okay. So us scenario mein jab khud ba khud log aana shuru ho gaye and they started doing their official work and post covid to bahut logo ka jaise office shutdown hua hai ya bahut freelancers hain who started coming more often now. So we've found out that a lot of people are working from here and they're liking the ambience, they're liking the food. So in fact, this is what encouraged us to come up with co-work plan. Okay, so how's the response you're getting? Oh, overwhelming. It's amazing. Yeah, yeah. And you were also telling me some, you know, the art exhibitions and something, what were you exactly telling me? See, like I said, this is just not cafe. So we have so much to offer. Okay. You must have seen Wall of Art. Yes, we have covered it. Yeah, thank you. So this is something we've created a space for people who are artists and who are passionate about their work and they want to showcase and they do not find a right place to showcase, right? To exhibit the art. So we've got them and. This is on rotational basis, so we keep on changing the art on this wall. Okay. So a lot of people, a lot of artists approach us and they can come and exhibit their work in a way. They can create an event also. Like for a day they are here and they're talking about their work. Like right now, we have Dark Emotion series on our wall. Mm-hmm. So a lot of people ask what is the thought behind it. So, you know, the one who has done it. The photographer, he has got all the stories behind every portrait he's done. So something like this comes out to be an exhibition plus a display of their art for the entire month. Okay. And also we encourage talent. So a lot of jamming sessions are coming up. And again we are offering space for workshops. Okay. So a lot of workshops have already happened here like calligraphy or mandala art making. So, this is just not cafe. So guys, if you also want to get in touch with them, it's in Sector 16D, Books and Brews, first floor. Aram se mil jayega, bahut amazing jagah hai, ek bar aao, pata karke jao and khana, sab kuch enjoy karke jao and tell us more about it. Comment karke batao if you have memories related to this cafe also.
एंड ऑल्सो इफ यू विजिट दिस प्लेस देन डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कॉमेंट्स कि आपको कैसा लगा. सो गाइज मेरे चेहरे पे ना आप लोग खुशी देख सकते हो, मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत शोर है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे क्या कह सकते हैं खुश मिजाज लोग हैं, तो मेरी आवाज़ मुझे लगता है आ रही होगी. सो दिस प्लेस शुड बी इन योर लिस्ट अगर आप लोग कैफेज की बात करते हो. सेक्टर 16D फर्स्ट फ्लोर बुक्स एंड ब्रू, इतना कुछ है इनके पास, खाने से लेकर एम्बियंस से लेकर लाइव म्यूजिक, को वर्किंग एरिया, फंक्शंस के लिए प्लेस, एवरीथिंग दे हैव. सो यू नीड टू विजिट दिस प्लेस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब ऑन दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई अनदर चैनल, लिंक इन द बायो. Also, do follow me on Instagram for the regular updates. And stay tuned and stay happy, stay blessed. Thank you.